आगामी 4 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री का आगमन छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में होने जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भाजपा की बड़ी आम सभा की तैयारियां जोरों पर है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अब चुनावी माहौल में सरगर्मियां बढ़ने लगी है, साथ ही स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आगामी 4 नवंबर को दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में भाजपा की विशाल आम सभा होने जा रही है। इसमें भव्य डोम शेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसे लेकर भाजपा पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रही है। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने होने वाले आयोजन को लेकर जानकारी दी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जन नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि 4 तारीख को दुर्ग के पावन धरा में सुबह 10 बजे आ रहे हैं। हमारे इस दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता बंधु बहने उस दिन उपस्थित होंगे और लगभग 1,00,000 लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित रहेंगे सुबह सुबह। उसके आने से देखो कि मोदी जी को देखने और सुनने के लिए विश्व के अन्य देशों में भी लोग दौड़ पड़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं दौड़ेंगे? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के लिए काफ़ी काम किए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो महिलाओं बहनों के लिए खाता खोलाने का विषय हो, चाहे शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे अमृत मिशन के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने के माध्यम मिशन हो, हर मिशन जो है गरीब गांव के जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी निछावर कर दिए हैं, तो लोग स्वयं आएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।